फिल्म का नाम है जवानी दीवानी और इसके हीरो हैं ऋषभ, जिसे हम गोलू भी कहते हैं, और यंग जनरेशन, यंग लड़का और बड़े धमाके के साथ कई फिल्में कर चुका है और उसकी ये फिल्म अभी फ्लोर पर जाने वाली है। इसके प्रोड्यूसर हैं संजय मिश्रा जी और बाय मिस्टेक मैं उस फिल्म का डायरेक्टर हूँ, और म्यूजिक डायरेक्टर हैं राजेश झा जी। आप कहाँ फिल्म होगी, कैसे होगी और कौन कौन लोग होंगे? फिल्म में जैसे मैंने कहा कि गोलू हीरो है और गोलू की अभी एक फिल्म रिलीज हुई है सौदागर, जो बहुत अच्छी जा रही है, और इस फिल्म को हम लोग रांची में शूट करेंगे। और एक यंग जनरेशन की फिल्म होगी लव मेक्स लाइफ, दो प्यार करने वालों की कहानी जर्नी होगी, और वो जर्नी जो है स्कूल से लेके कॉलेज से लेके और अंतिम पड़ाव जो होता है कि उनका प्यार सक्सेस हो जाए, वही हमारी जवानी दीवानी है। गोलू के साथ फर्स्ट प्रोजेक्ट है कुछ, कहें गोलू वाले में? हाँ, दिस इज माई फर्स्ट मूवी विद गोलू, बड़ा अच्छा लग रहा है, यंग लड़का है और इंटेलिजेंट है, इंटेलेक्चुअल है और काफ़ी समझ रखता है, और उसके साथ स्टोरी डिस्कस करके बड़ा मज़ा आया, और उसे म्यूज़िक का भी काफ़ी ज्ञान है क्योंकि उसके म्यूज़िक जो है उसे विरासत में मिली हुई है, एक प्रकार से कह सकते हैं कि वो म्यूज़िक में ही पैदा हुआ है, क्योंकि उनके फादर राजेश झा जी जो हैं एक बहुत बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, और वो बचपन से एक्टिंग करते आया हुआ है और बचपन से म्यूज़िक को देखते आया हुआ है, सिनेमा में पैदा हुआ है, सिनेमा को खा पी के ही पाल पोस के बड़ा हुआ है, तो बड़ा अच्छा लड़का है और मज़ा आएगा इसके साथ। पहला सॉन्ग किसके आवाज़ में रिकॉर्ड किया जा रहा है? आज जो पहला गाना है वो रिंका सिंगारी है और अभी उनका रिकॉर्डिंग होगा। फिल्म के प्रोड्यूसर का कुछ कहना चाहेंगे? प्रोड्यूसर ने इसके पहले पवन सिंह के साथ फिल्म बनाया हुआ है और गोलू के साथ पहली बार बना रहे हैं, और पहली बार मैं भी उनके साथ काम कर रहा हूँ, और इस फिल्म की शुरुआत जो है रांची से होगी। पांडे जी, आप बैक टू बैक फिल्में कर रहे थे खेसारी लाल यादव के साथ, आपकी बड़ी हिट फिल्में हैं, आपकी जो जोड़ी है बाय डिफॉल्ट खेसारी लाल के साथ बड़ी हिट रही है, अब आप गोलू के साथ फिल्म कर रहे हैं, आपको लगता है जिस तरह की ट्यूनिंग आपकी और खेसारी लाल की थी वैसी गोलू की हो सकती है या उससे बेहतर हो सकती है? मेरी जोड़ी है, मेरी ट्यूनिंग कह लीजिए, मेरी सबके साथ हुई। मैंने अपने करियर की शुरुआत रवि किशन जी और विनय आनंद के साथ किया था, मेरी पहली फिल्म थी खटाई लाल मिठाई लाल, और रवि किशन के साथ कंटिन्यू दूसरी मूवी थी चंदू की चमेली, उसके बाद मेरी खेसारी जी की शुरुआत हुई, और खेसारी जी के साथ मैंने लगातार चार फिल्में की, हमें हिंदुस्तानी, बाप जी और नागदेव, और पवन सिंह जी के साथ एक फिल्म मैंने की थी लावारिस जो बहुत बड़ी हिट हुई थी, उसके बाद अभी एक फिल्म मैं दिनेश लाल यादव जी के साथ करने जा रहा हूँ लावारिस बाप, तो लावारिस के बाद बाप जी के बाद लावारिस बाप, और फिर ये मेरी फिल्म जो है जवानी दीवानी ये जा रही है। तो सारी फिल्मों का अलग अलग फ्लेवर है, सबके साथ ट्यूनिंग है, हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में जितने चाहे टेक्नीशियन कह लीजिए या कलाकार कह लीजिए या हीरो कह लीजिए या सुपरस्टार कह लीजिए, सबके साथ मेरी ट्यूनिंग है और सबके साथ काम कर रहा हूँ। खेसारी के साथ नेक्स्ट प्रोजेक्ट कब कर रहे हैं? खेसारी जी का नेक्स्ट प्रोजेक्ट मार्च में है, तेरी मेहरबानियाँ, और जिसके प्रोड्यूसर हैं विजय यादव जी, जिन्होंने अभी भी एक फिल्म बनाई है बोल राधा बोल, खेसारी जी को ही लेकिन उन्होंने बनाया, पराग पाटिल की लड़की थी, जो कॉलेज में जाएंगे, कॉलेज के बाद फिर अपनी लाइफ की शुरुआत करेंगे, वो प्यार की एक शुरुआत होगी और प्यार ही सब कुछ है, उसके ऊपर हम लोग की ये फिल्म है, ये यंग जनरेशन के लिए एक सिनेमा जाएगा कि मतलब दो प्यार करने वालों को ये कहना है कि तेरा प्यार है ज़्यादा मेरा प्यार है कुछ कम, या तेरा प्यार है कम मेरा प्यार है ज़्यादा, क्या यही ज़िंदगी है? तो वाकई यही ज़िंदगी है, प्यार ही सब कुछ है। सर बहुत बहुत स्वागत है, कैसे हैं, क्या कुछ कहेंगे, आज नया पिक्चर की रिकॉर्डिंग हो रही है? भाई देव साहब, हमारे इनकी मुलाकात होती रहती है। नहीं, पहली मुलाकात कहाँ हुई थी, जंगल में या सड़क पर? बातें हम लोग अच्छे प्रोजेक्ट के लिए हमेशा एक दूसरे से मिलते रहते हैं। एक इतफाकन खुशकिस्मती से इनके साथ काम करने का मुझे मौका मिला इस बार, और मुझे अच्छा लग रहा है इनके साथ काम करके, इनकी समझ सोच जो सिनेमे के लिए बहुत अच्छा, हम लोग अच्छी बॉन्डिंग हमारी है, और हम कोशिश कर रहे हैं, कहानी तो आपको इन्होंने बता दिया, बाकी संगीत आप जैसे संगीत आप दे रहे हैं, आपके बेटा खुद हीरो इस फिल्म में, तो कुछ बेटर ही करने वाले होंगे? कोशिश तो बेटर के लिए करते हैं, कोई ऑलवेज बेटर ही रहता है, नॉट बेटर, कोई भी हीरो हो सबके लिए इन्होंने। कहाँ अभी तक आपका स्टार पहुंचा नहीं है, कहाँ है बताएं दर्शकों को? वो डायरेक्टर साहब का भी नहीं, स्टार हमारा नहीं होता है, वो डायरेक्टर का होता है हमेशा। और कुछ कहना चाहेंगे फिल्म के प्रोड्यूसर के बारे में? प्रोड्यूसर साहब बहुत अच्छे हैं, बहुत कोऑपरेटिव हैं, और सबसे अच्छी बात है कि हम एक मत के लोग हैं, और कहानी मुझे बहुत अच्छी लगी थी पर्सनली, मुझे भी, और
टोटल ये फिल्म टीनेज लव स्टोरी समझ लिया जाए और इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से उसको पेश किया है। हाँ, हमारी कहानी जो है वीरू ठाकुर ने लिखा है। हाँ, राइटर वीरू ठाकुर यंग लड़का है, यंग राइटर है। उन्होंने बहुत सारी फिल्में पवन सिंह के लिए लिखी हुई है और गोलू के लिए भी उसने कई फिल्में लिखी है और कंटिन्यू हमारी जोड़ियाँ चलेंगी। मेरे ख्याल से इस साल से लेकर नए साल तक हम गोलू राजेश झा जी चलेंगे। सौदागर रिलीज हुई है मल्टीप्लेक्स में, कुछ कहेंगे? आशीर्वाद है सब आप लोगों का और जाएंगे हम भी देखने। आज अच्छी फिल्म बनाई है सतीश सिंह जी ने, हम अपने काम प्रयास कर रहे हैं। बाकी जनता जनार्दन हमेशा से। आज किसको लेकर गाना गा रहे हैं? प्रियंका सिंह जी हैं हमारी, भोजपुरी इंडस्ट्री की बहुत अच्छी सिंगर हैं और मोस्टली अब आज नहीं वाली होंगी। राजेश जी, सवाल एक है कि गोलू एक अच्छा एक्टर, एक अच्छा सिंगर, लेकिन सिंगिंग को शायद आप लोगों ने उतनी अहमियत नहीं दी क्योंकि गोलू के गाने बहुत ज्यादा उस तरह से अब नहीं आते हैं जिस तरह से शायद आ सकते थे, आने चाहिए थे। गोलू ने गायकी से क्यों दूरी बनाई, क्या वजह है इसके पीछे? ऐसा नहीं, गायकी से दूरी नहीं है और जैसे इस फिल्म में वो गाएंगे ही, सुनो ससुर जी में गवाया था, कुछ क्या होता है हम लोग जिस पैटर्न पे थोड़ा हाई पिच के जब गाने होते हैं तो उसमें हमें सिंगर लेने पड़ते हैं। इसे बेसिकली इसमें दो तीन गाने उसके गोलू के हैं, दो तीन गाने इसमें गा रहा है, उसकी सपोर्ट कंपोजिशन में भी आएगा क्योंकि बहुत इंटेलिजेंट लड़का है और जैसे मैंने कहा कि वो सिनेमा में ही पैदा हुआ है और जब म्यूजिक सरस्वती जी की कृपा रही है कि म्यूजिक डायरेक्टर के घर में जन्म लिया तो बट नेचुरल वो म्यूजिक का सेंस है और गाना गाएगा ही। और लेकिन हर आदमी की पहली प्राथमिकता जो होती है वो कला की होती है कि वो एक्टर है, कलाकार है, वो अपनी एक्टिंग के हिसाब से अपनी जलवा दिखाएगा और जो सेकेंडरी थिंग है वो म्यूजिक रहेगा और वो गाना गा ही रहा है। अपनी सारी फिल्मों में कोई ना कोई गाना गाता है बट मेरी इस फिल्म में जवानी दीवानी रोमांटिक यंग जनरेशन है तो एक नए गाने और नई स्टाइल में कुछ नए कंपोजिशन देखने के मिलेंगे और न्यू स्टाइल में गाने गाएगा क्योंकि जो हमारा ढर्रा जो चल रहा है भोजपुरी इंडस्ट्री का उस तरह के हर गाने हर कोई नहीं गा सकता है। जो लोग जिस तरह के ढल के आते हैं उसी तरह के वो गाने गा सकते हैं बट इस लड़के में इंटेलिजेंट है कि वो हर टाइप का गाना गाएगा और हर टाइप का गाना गवाया जा रहा है। और ये मौका और उसे खुद गिटार बजाने आता है, उसकी एक हैसियत है वो खुद गिटार बजाता भी है तो उसकी वो सारी टैलेंट जो है इस फिल्म में दिखेगा। थैंक यू सर। इसका डायरेक्टर है देव पाटे जी, म्यूजिक है राजेश जी का और हीरो है गोलू। गोलू बहुत प्यारा आर्टिस्ट है, सभी लोग आप लोग कई पिक्चर उसके देखे होंगे। सबसे अच्छा अदाकारा हमारे हिसाब से है और मेरी पिक्चर जो है पूरी लव स्टोरी है और रांची में इसकी पूरी शूटिंग जो रांची में शुरू हो रही है झारखंड में। कब से शुरू करेंगे सर शूटिंग? हम हार्डली लगता है दुर्गा पूजा के आसपास शुरू कर देंगे हम लोग शूटिंग। गोलू के साथ हीरोइन कौन होगी? अभी हीरोइन का चॉइस नहीं हुआ है, अभी कई लोग हैं जो अभी निर्णय आज से कल में हो जाएगा। देव पांडे जी फिल्म डायरेक्ट कर रहे हैं, पहली बार आप साथ काम कर रहे हैं, कुछ कहेंगे? देव पांडे जी का बहुत सारा पिक्चर पहले से आया है और देव पांडे जी एक शांत स्वभाव के व्यक्ति हैं और हमको जमता है उनसे, इसके लिए मैंने उनको डायरेक्टर अब तक कंपनी में लिया। इसके बाद भी दूसरी प्रोजेक्ट भी मैं उन्हीं को दे रहा हूँ, देव जी को ही दे रहा हूँ। म्यूजिक किस तरह का होने वाला है? लव स्टोरी, पूरे गाने जो है पूरे लव स्टोरी हैं, पूरे लव स्टोरी गाने हैं। सर कौन कौन से फिल्में आपने प्रोड्यूस किया, उसका नाम बताइए? बाज गई लंका मैंने किया, सबसे पहले मैंने लरम मरते तब तक बनाया, उसके बाद बाज गई लंका पवन सिंह को लेके बनाया, तेबर को मैंने फाइनेंस किया, कुणाल सिंह के पिक्चर को भी मैंने पैसा दिया और फिर अपना प्रोजेक्ट फिर चालू कर रहा हूँ। अब कई प्रोजेक्ट जो है फाइनेंस में हमारा है जो बन रहा है, फ्लोर पे है, जब तैयार हो जाएगा तो उसका भी नाम आप लोग को बताएंगे बहुत जल्द। भाभी कुछ कहेंगे तेवर के लिए? जवानी दीवानी के लिए बेस्ट ऑफ लक। नमस्कार, प्रणाम आप सभी को। मैं प्रियंका सिंह, इतना आप लोग मानते हैं हमेशा ही इंटरव्यू हम लोग देते लेते ही रहते हैं एक दूसरे का। और आज एक फिल्म है यह जवानी दीवानी, उस फिल्म का आज मुहूर्त है। एक हिंदी फिल्म आई थी ये जवानी है दीवानी, तो उसी तरह का कुछ फिल्म है और नए यंग जनरेशन के ऊपर ये फिल्म है। नए नए जो बच्चे हैं कॉलेज के, उनकी जो लव स्टोरी है एक उसी पे बेस्ड फिल्म है। काफ़ी अच्छी फिल्म बनने वाली है। देव पांडे जी डायरेक्टर है, राजेश झा जी म्यूजिक डायरेक्टर है और आज मुहूर्त है और सभी लोग यहाँ पे आए हुए हैं, प्रोड्यूसर डायरेक्टर। और मैं इसमें आज एक गाना गाने, आज शुरुआत है तो बहुत अच्छा सॉन्ग है जो मैं गाने वाली हूँ, तो आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि आप सबको ये बहुत पसंद आएगा। फिल्म के डायरेक्टर के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देव पांडे जी तो सभी जानते हैं उनको, मैं
मैं क्या बोलूँ, उनकी बहुत तमाम ऐसी कई फिल्में सुपरहिट रही हैं और बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, टैलेंटेड, आउटस्टैंडिंग। उनके म्यूजिक डायरेक्टर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? म्यूजिक डायरेक्टर तो मतलब जो हैं राजेश जी, वो तो मुझे लगता है कि मैं जब नहीं आई थी इंडस्ट्री में, आई ही नहीं थी, तब से उनका जो है एक जलवा है। तो मैं तो बहुत बाद में आई हूँ, तो काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, सभी लोग सीनियर हैं। कितने गाने गाए अभी तक राजेश जी की फिल्म में? काफ़ी सारे गाने गाए हैं उन सर के, काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स में बहुत सारे गाने हैं, तमाम सॉन्ग्स है, तो सबको अच्छा लगता है। भोजपुरी के कुछ सिंगर आजकल रास्ते भटक गए हैं, आप भी सुन रही हो, किस वन मुद्दे पे बोलना चाह रहा हूँ? देखिए, अभी इन सारे मुद्दों पर मैं बोलना नहीं चाहती, क्योंकि बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। और ये ऐसा मुद्दा है कि इस पर मुझे लगता है कि मेरे जैसा अगर सिंगर बोलेगा तो बहुत दूर तक बात जाएगी, ठीक है? इसलिए मुझसे अभी इस टॉपिक पे आप मत पूछिए। आपके जैसे मैं किसी दिन फ्री रहूँगी ना, उस दिन आप सब लोग आइएगा, उस दिन हम लोग बात करेंगे इस मुद्दे पर, ठीक है? पहले सबको मेरा प्रणाम है, दर्शकों को, और आज के लिए इस फिल्म के लिए बधाई दे रहा हूँ हमारे बड़े भाई संजय भैया हैं, दुर्गा फिल्म प्रोडक्शन को। थोड़ा 2-3 साल के अंतराल में फिर बन रहा है, इसके पहले इन्होंने बाजीगर लंका बनाया था, लड़ मरते दम तक बनाया था, अब जवानी दीवानी बना रहे हैं गोलू जी को लेकर, इस सबका सबको। तो मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामना है कि फिल्म बने, अच्छी बने, और देव जी हमारे प्रिय में प्रिय मित्र हैं डायरेक्टरों में, तो इनके लिए तो मेरी विशेष मतलब मेरा तन मन धन सब हाजिर है इनके लिए। तो अब मैं चाहूँगा अच्छी से अच्छी फिल्म बने, ये बनावें, और जितना हमसे सहयोग होगा हम करेंगे। हमारा तो काम मेन बेचना खरीदना बनवाना है, उसके लिए तो मैं लगा ही हूँ, करूँगा ही। बहुत बहुत धन्यवाद विजय यादव जी का, और विजय यादव जी जो हैं हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं, ये प्रोजेक्ट उन्होंने ही मेरे पास लेके आए। हम प्रोड्यूसर साहब से पहली बार मिले और मिलके पहली बार में ही उन्होंने सब कुछ, क्योंकि मार्केटिंग के आदमी हैं और मार्केटिंग में बहुत तेज़ हैं, तो सब कुछ निपट लेते हैं आपस में। लेकिन बहुत बहुत लोगों के लिए एक बड़ी अच्छी सी खबर है कि उनकी बहुत बड़ी फिल्म आ रही है, बोल राधा बोल, जिसमें खेसारी लाल यादव जी हीरो हैं, ये खुद सोलो प्रोड्यूसर हैं, और आगे भी फिल्म बनाएंगे खेसारी जी के साथ हम लोग मिलके। एक अलग नए साल में हमारी एक फिल्म आएगी, तेरी मेहरबानियाँ, और गोलू जी के साथ भी ये फिल्म बना रहे हैं, तो लगातार हम लोग फिल्म करते रहेंगे, क्योंकि जब मार्केटिंग का आदमी सिनेमा के मेकिंग में आता है तो अच्छी से अच्छी फिल्म बनाने की कोशिश ही करता है, और अच्छी फिल्म बनाने के लिए ही जीता है। देव पांडे जी, आपके प्रोड्यूसर साहब से एक मेरा सवाल है। सर, मुझे बताया गया कि आपने पवन सिंह को लेकर फिल्म बनाई थी जी, आप पवन सिंह को लेकर फिल्म नहीं बना रहे हैं, कोई खास वजह है, आपने क्यों छोड़ दिया? कोई वजह नहीं है, पवन सिंह के पास समय का बड़ा अभाव रहता है, उनका समय ज़्यादा लेते हैं, एक पिक्चर में 40 से 50 दिन देना आज के डेट में भोजपुरी में बड़ा आफत है, अभी छोटी सी बात नहीं है। पवन जी के साथ करना माने आप 50 दिन का बजट लेते हैं तभी आप पवन सिंह के साथ पिक्चर बना सकते हैं, अदरवाइज नहीं। लेकिन फिल्म भी तो उसी तरह से बड़ी बनती है सर। बड़ी बनती है, मगर पैसा कहाँ है, रिकवरी भी तो होना चाहिए, फिल्म बड़ी बनती है। गिरीश भाई आइए, आप बड़ी बात कर रहे हैं कि 50 दिन जो फिल्म शूट हो रही है उसकी रिकवरी नहीं होगी सर। नहीं नहीं, कभी नहीं हो पा रही है रिकवरी, हर बार टूटता है, 20-25 लाख-30 लाख रुपया टूटता है पिक्चर में। आपने पवन सिंह को लेकर जो फिल्म बनाई थी उसमें आपका नुकसान हुआ? बहुत बहुत सारा, बहुत बड़ा नुकसान हुआ, बाजीगर लंका बहुत बड़ी नुकसान वाली पिक्चर थी। तो आप उनको लेकर फिल्म नहीं बनाएंगे? नहीं, ऐसा भी नहीं, बनाएंगे, नहीं ऐसा नहीं है, जब बनाएंगे और जब हमारी रिकवरी दिखेगी तभी बनाएंगे। विजय जी, आपका इसमें कुछ कमेंट है? नहीं नहीं, मेरा इसमें कोई कमेंट नहीं है भैया, बहुत अच्छा लग रहा है। देव बाबू इसके डायरेक्टर हैं, देव बाबू हमारे बहुत पुराने मित्र हैं, हम लोग साथ में थिएटर किया करते थे, और विजय भैया जी के सहयोग से बन रहा है, इसलिए बहुत 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 धन्यवाद। अपना संजय भाई जी प्रोड्यूसर हैं, इसलिए दिल से धन्यवाद। हमारे पुराने प्रोड्यूसर हैं, भोजपुरी इंडस्ट्री को बहुत कुछ इन्होंने दिया है और आगे भी देंगे, तो इसलिए बहुत धन्यवाद। अपना गोलू कश्यप जी हीरो हैं, बहुत अच्छे, सबसे स्मार्ट हीरो, इसमें दो मत नहीं है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और आप सब लोगों को भी धन्यवाद, आप लोग भोजपुरी समाज को इतना आगे बढ़ा रहे हैं, इसके लिए आप लोगों को भी बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू सर। और हमारे गायिका जी भी आए हुए हैं, तो इसलिए इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। म्यूजिक डायरेक्टर कौन है इनके? राजेश जी तो राजेश जी को भी बहुत धन्यवाद, इस ढंग से सब लोगों को बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक यू, प्रणाम। अभी देव जी विजय भाई ने बुलाया है, अभी इसका जैसे जैसे करेंगे कुछ होगा, करेंगे कोई नेगेटिव पॉजिटिव जो भी होगा करेंगे। गोलू बहुत अच्छा एक्टर है, सबसे स्मार्ट हीरो है, इसमें दो मत नहीं है,
मैं उसका कद्र करता हूँ और सबसे बड़ा नन सिंगर है इसलिए और ज्यादा कद्र करता हूँ। अच्छा, आपको पर्दे मारने में अच्छा लगता है कि पिटवाने में? अब आप कहना क्या चाह रहे हैं तो उसको रोक क्यों लिए आप? नहीं, मैं करेक्टर रोल भी करता हूँ, जैसा कि आपने गंगा देवी में देखा है मैं एक कॉमेडियन रोल किया हूँ, जैसा कन्हैया लाल जी करते थे मैं हर तरह का रोल करता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। कितनी फिल्में एक साल में लगभग कर लेता है? 15 के आसपास। 15 के आसपास। अब जो आप समझिए, आप CBI वाले हमको छापा नहीं मारेंगे क्योंकि मैं हीरो नहीं हूँ, पैसा तो मिलता नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट करता हूँ, डायरेक्टर साहब यही हैं, प्रोड्यूसर साहब ऐसे यही हैं। अब सब कहानी कही जाएगी, चिंता मत करिए, वक्त का इंतजार करिए, बहुत बड़ा खुलासा करूंगा एक इंडस्ट्री को सुधारने की ओर ले जाऊंगा भाई। वक्त का इंतजार करिए, थोड़े दिन, 1-2 महीने बहुत बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, विश्वास के साथ आप लोगों को मीडिया के सामने कहता हूं, और इसके बाद इस बार से भोजपुरी इंडस्ट्री निश्चित सुधरेगी। मैं अपने ठान लिया हूं कि 6 साल बाद मुझे रिटायरमेंट लेनी है, क्योंकि सब मेरे बच्चे डॉक्टर बनने जा रहे हैं, तीनों बच्चे, मैं सेटल होने जा रहा हूं, तो इतना बड़ा खुलासा करूंगा कि जो आप सोचे नहीं होंगे। हाँ, लेकिन मीडिया बंधु से हाथ जोड़ करके मैं विनती करता हूं कि सब लोग सहयोग करेंगे, जो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा सब लोग आएंगे, एक बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, अब भोजपुरी इंडस्ट्री में निश्चित बदलाव होगा, क्योंकि मैं एक अगला दूसरा भी एक बिजनेस शुरू किया हूं फाइनेंसर का, अभी 2 फिल्म हमने 3 फिल्म फाइनेंस किया, जिसमें विजय भैया ने बिकवाया है तकरार रत्नाकर जी से, और दूसरी फिल्म मैंने अभी ससुराली जिंदाबाद फाइनेंस किया है, और तू मेरी मैं तेरा विशाल सिंह जी हीरो, ये हमने, और 4-5 फिल्में अभी मैं फाइनेंस करने जा रहा हूँ। नमस्ते, सबसे पहले सबको प्रणाम, और बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग सब लोग आए हैं यहाँ पे, और बहुत दिनों बाद आपसे भी मुलाकात हो रही है सर। फिल्म के बारे में यही कहना चाहूँगा कि संजय मिश्रा जी बना रहे हैं पिक्चर को, इन्होंने कई सारी पिक्चरें बनाई हैं और एक फैमिली रिलेशन है मेरा इनके साथ में, और बेसिकली हमने जो एक कॉन्सेप्ट सोचा है इस पिक्चर के लिए काफ़ी ज़्यादा वेस्टर्नाइज सोचा है, मतलब एक ऐसा माइंड सेट है इसके पीछे कि जो चीज़ें शायद यूपी बिहार में और वर्ल्ड के कई सारे हिस्सों में होती हैं, लेकिन हम उसके बारे में खुल के नहीं कह सकते हैं, क्योंकि एक यूथ है जिसका एक अपना माइंडसेट है जो ये, और एक फीलिंग के थ्रू ये करते हैं लोग, और बेसिकली मैं कहना चाहूँगा लिव इन रिलेशनशिप पे है पिक्चर, और उसको मतलब बहुत ही अजीब तरीके से देखा जाता है बेसिकली, बट हम इसके फिल्म के थ्रू एक एक मैसेज देना चाहेंगे कि ये अच्छा भी है या बुरा भी है या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, तो इस तरीके कुछ बात है इसमें। लव स्टोरी बहुत सारी बन रही है, लगातार फिल्में बन रही हैं, क्या ये भी उसी तरह से लव स्टोरी पर ही बेस्ड फिल्म होगी? सर एक्चुअली लव स्टोरी के बगैर तो मेरे को लगता है सारी पूरी इंडस्ट्री अधूरी है, पूरा दुनिया अधूरा है, क्योंकि अगर लव स्टोरी नहीं है पिक्चर में आपको कोई फीलिंग अटैचमेंट नहीं होता किसी फीलिंग से आपको, तो लव स्टोरी तो है बेसिकली, लेकिन साथ में एक फैमिली एंटरटेनमेंट है ये, और कई सारी सीख देके जाएगी ये पिक्चर, मेरे को लगता है मैसेजेस देके जाएगी बहुत सारी। देव पांडे जी आपको डायरेक्ट करेंगे, पहली बार ऐसा होगा कि देव पांडे आपको डायरेक्ट करने वाले हैं, एक्साइटेड हैं आप इसके लिए? जी बहुत एक्साइटेड हूँ, वो बहुत ही उम्दा डायरेक्टर हैं, उनका खुद का माइंडसेट इतना तगड़ा है और इतना कुछ सोचते हैं वो, और इतना कुछ हम लोग डिस्कशन करते हैं रात दिन, तो मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है उनके साथ काम करने के लिए, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं बेसिकली। बोलू क्या इसमें आपके गाने भी होने वाले हैं, आप गाने वाले हैं इस फिल्म में? शायद मोस्टली गाने वाला हूँ सर, पता नहीं फिलहाल मेरे को पता नहीं सर जी। कोई तैयारी, खास तौर पे कोई तैयारी, प्रिपरेशन अपनी बॉडी को लेकर, लुक को लेकर जो गोलू कर रहे हो इस फिल्म में? सर बहुत ज़्यादा तो तैयारी नहीं की है अभी तक फिलहाल, ये है कि बहुत टाइम से मैं स्टोरी के बारे में सोच रहा हूँ और डिस्कस कर रहा हूँ, और बहुत सारी चीज़ें जो इनपुट्स एंड चीज़ें हैं जो कि हम लोग उसके अंदर डाल रहे हैं, कुछ चीज़ें सोच रहे हैं कि यार ये अच्छा होगा या नहीं होगा, तो तैयारी एक्चुअली 2-3 साल पहले से ही चल रही है इस पिक्चर के लिए, अब जाके फाइनलाइज हुआ है तो हम जाके अब फ्लोर पर उतर रहे हैं बहुत जल्द। एक्ट्रेस के बारे में मुझे अब तक नहीं कुछ बताया गया, मुझे भी अता पता नहीं है सर, अभी कौन होंगी? नहीं अता पता है सर, मुझे बिल्कुल नहीं बताया गया अभी तक, आपको भी ये बात नहीं बताया? बिल्कुल नहीं बताया गया सर। ओके, और कौन सी फिल्म रिलीज पर अभी? भाई अभी आई थिंक पटीदार है और सौदागर आई थिंक आज रिलीज हुई है यहाँ पे वापस से, मल्टीप्लेक्स कहीं लगा है मूवी मैक्स में, और साथ में एक आध और पिक्चरें हैं माइंड। फिल्मों को लेकर क्या कुछ स्पेशल चल रहा है सोच? भाई तैयारियां चल रही हैं, लगातार काम चल रहा है, आर्ट के ऊपर मेहनत किया जा रहा है, वर्क किया जा रहा है, और नई पिक्चरें देख रहा हूँ और ख़ुद को बदलने की कोशिश कर रहा हूँ रात दिन अलग अलग तरीके से, ये सब चल रहा है भाई फिलहाल। गोलू निरहुआ, दिनेश लाल यादव निरहुआ के साथ गोलू अब कब नज़र आने वाले हैं? बहुत जल्दी नज़र आ जाएंगे भाई, अभी वो एक्चुअली बहुत सारी चीज़ों में व्यस्त हैं, मेरी लास्ट बात हुई थी 1-2 महीने पहले, तो वो काफ़ी व्यस्त हैं अभी चीज़ों में, तो बहुत जल्दी हम लोग का प्लान है कुछ ना कुछ करने का, होपफुली बहुत जल्दी करेंगे यार।
आप ये तो मानते हैं कि ऑडियंस बहुत ज्यादा क्यूरियस है आपकी और निरहुआ को एक बार फिर से पर्दे पर देखने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि 7-8-10-20-12 साल हो गए सर उस चीज़ को, तो हर किसी को मतलब यू नो एक एक्सपेक्टेशन होता है कि यार ये जोड़ी वापस आ जाए और सेम एंटरटेनमेंट देखने को मिले, एक बॉन्डिंग होता है दो एक्टर्स का जब भी वो परफॉर्म करते हैं, तो मैं खुद बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत जल्दी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उनके साथ काम कर पाऊँ। यार 2 महीने से बात नहीं हुई, क्या निरहुआ बदल गया है? अरे सर फंसा रहे हैं अभी, मतलब कोई नहीं बदला सर, सब वही है एकदम, जब भी बात होती बहुत अच्छे से होती है, आशीर्वाद उनका हमेशा बना रहे मेरे ऊपर और मेरी शुभकामनाएं हमेशा उनके साथ में। ये एक पूरी फैमिली पिक्चर है और जैसे अपन सोशल पारिवारिक पिक्चर बनाते हैं उस हिसाब से एक हम लोग संदेश दे रहे हैं और शांति जी हैं इसमें, रिंकू जी हैं और आदित्य ओझा है, कुणाल जी हैं, मनोज टाइगर जी हैं, संजय पांडे हैं, करण पांडे, प्रेम दुबे जी हैं, रितु जी हैं और बहुत ऐसे आर्टिस्ट हैं काफ़ी लोग जी। क्या नाम है प्रदीप भैया फिल्म का, क्या नाम होगा पिक्चर का? फिल्म का नाम है आंगन की लक्ष्मी। आंगन की लक्ष्मी, या किस तरह की फिल्म होने वाली है यह? आंगन की लक्ष्मी एक हम लोग पारिवारिक फिल्म बना रहे हैं जिसमें रिंकू जी लक्ष्मी का रोल कर रही हैं, बहुत अच्छा। लक्ष्मी जो अपने घर में सब लोग पूजा करते हैं वही है लक्ष्मी जी हैं जी, ये उनकी पुजारन है संतीचा जी। अरे वाह क्या बात है। लक्ष्मी जी कैसी हैं आप? यस इट्स फॉर यू। और एक बात बोला, रिंकू जी हमारी बहुत अच्छी दोस्त है, बहुत वापस आई, पहले चली गई थी हमको छोड़ के आउट ऑफ इंडिया, बहुत दिनों बाद वापस हम लोग साथ में काम कर रहे हैं और हमको बहुत अच्छा लग रहा है कि वापस आए और अच्छा काम कर रहे हैं और इसमें उनका बहुत अच्छा रोल है जी। बाकी रिंकू जी बोलेंगे। रिंकू जी कितनी एक्साइटेड है इस फिल्म के लिए? इस फिल्म के लिए तो मैं हमेशा से एक्साइटेड रही हूँ पहले भी, पर हमेशा एक नई फिल्म की शुरुआत में मुझे थोड़ी सी नर्वसनेस होती है, तो वही आज भी है, तो एक नर्वसनेस एक एक्साइटमेंट डेफिनेटली है। और सबसे खास बात कि फिल्म बहुत अच्छी है, फिल्म बहुत पारिवारिक है, जैसे कि आप लोग ने नाम से ही पता चल जाता होगा आंगन की लक्ष्मी, तो बहुत अच्छी बात है कि आजकल इस तरह की फिल्में बन रही है, पारिवारिक फिल्में बन रही हैं, बहुत अच्छे सब्जेक्ट्स को लेकर काम हो रहा है, सो बहुत अच्छा दौर चल रहा है ये। एंड उसमें से फिर अपने पुराने मित्रों के साथ काम करने में वापस जुड़ने में और ज़्यादा एक्साइटमेंट है, तो मेरी एक्साइटमेंट यहाँ डबल है। क्या ये आपकी कमबैक मूवी होगी एक लंबे समय के बाद? एक्चुअली मैंने 2-3 फिल्में कर ली है एंड साइनिंग भी कर ली है, एक आध शूट भी हो चुका है, अब ये डिपेंड करता है कि कौन सी फिल्म पहले रिलीज़ हो रही है, सो दैट वुड बी माई कमबैक। बट हालांकि इसके अलावा मैंने लास्ट ईयर मैंने शो भी कर चुकी हूँ, सो दैट्स नॉट एन एग्जैक्टली कमबैक, बट येस फिल्मों में काफ़ी सारे कर रही हूँ, अभी जो फिल्म पहले रिलीज़ होगी वो मेरी कमबैक फिल्म हो जाएगी जी। अरे मुझे आप काफ़ी सालों बाद वापस आपने कमबैक किया है, कितना बदलाव आपने देखा है इंडस्ट्री में वापस आने के बाद? सी मैं ये कहूँगी कि एज एन सब्जेक्ट वाइज बहुत अच्छी सब्जेक्ट्स अब बन रही हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, कि पहले ऐसे नहीं होता था, पहले ना स्टोरीज पहले सिर्फ प्रपोजल्स होते थे, बीच में एक दौर आया जहाँ पर सिर्फ प्रपोजल्स बनते थे, बट अब क्या है कि हीरोज़ भी बोलिए हीरोइंस भी बोलिए कि आजकल वापस से स्टोरी ओरिएंटेड सब्जेक्ट्स बन रही है, जहाँ सबको पारिवारिक को ध्यान में रखते हुए फिल्में बन रही, जैसे हमारे फिल्म जैसे ही चैनल्स आ गए हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में, सो चैनल्स के आते ही हमारी इंडस्ट्री की जो सब्जेक्ट्स है वो चेंज हो गई है अब ज़्यादा। अब हम हर प्रोड्यूसर हर डायरेक्टर ये चाहता है कि परिवार जो ऐसी फिल्में बनाए जो परिवार को लेकर के चले, जो हम लोग बहुत पहले से कोशिश कर रहे थे, सो अब जा कर के हो रही है, बहुत अच्छी अच्छी फिल्में बन रही है, सो इट्स अ वेरी गुड टाइम फॉर भोजपुरी इंडस्ट्री। कैसी है संचिता जी आप? मैं बहुत अच्छी हूँ। आपने प्रदीप सर ने आज फिल्मिंग किया हुआ है? हाँ जी। सर क्या बात है, मैंने अपूर्वा जी ने भी सेम टू सेम तीनों ने। संचिता इस फिल्म के लिए आप एक्साइटेड जरूर होंगी क्योंकि एक बड़े बैनर की फिल्म है, साथ ही साथ आपके जो आपके साथी कलाकार हैं वो भी बड़े शानदार हैं इस फिल्म में। किरदार के बारे में बताया गया कि आप पहली बार पुजारन बनेंगे, हमने आपको हमेशा ग्लैमरस अवतार में देखा है ज़्यादातर, आप बड़े खूबसूरत किरदार में आप नज़र आएंगे, पुजारन बनने का फैसला कैसे हुआ? नहीं इसके पहले मैंने और एक फिल्म की है पार्टन दबी मैया सेम चैनल एंड एंटरटेन के लिए ही किया है मैंने भोजपुरी सिनेमा के लिए,
उसमें भी मैं पूजा बनती हूँ और इसमें भी मैं लक्ष्मी माता की भक्त हूँ और मुझे इस टाइप के किरदार करने में बहुत अच्छा लग रहा है। और आपने देखा होगा कि हम मेरी हर फिल्म पारिवारिक एंड फैमिली टाइप की फिल्म होती है, तो मैं चाहती हूँ कि इस टाइप की फिल्म के आगे भी मैं काम करती रहूँ। रिंकू जी के साथ आप स्क्रीन शेयर करने वाली है, उसको लेकर मैंने इनके बारे में बहुत सुना था और आज मिल भी ली तो मुझे बहुत अच्छी लगी फर्स्ट मीटिंग। एंड मैं काम करूँगी इनके साथ, मुझे पता चलेगा और बहुत ही एक्साइटेड हूँ आपके साथ काम। मैं प्रदीप सर से मैंने आपके बारे में काफ़ी सुनी हूँ तो आई एम वेरी एक्साइटेड टू वर्क विद। प्रदीप भैया, डायरेक्ट कौन करेगा फिल्म को, फिल्म का डायरेक्टर कौन है आपकी? ये फिल्म में अगर हम लोग ऐसी फिल्म बनाने के लिए ज़्यादा ये हैं तो इसमें हमारा एंटरटेनमेंट में अपूर्वा जी हैं, वो हमको बहुत अच्छी तरह से सिखाते भी हैं, समझाते भी हैं, हमारे साथ डिस्कशन भी करते हैं और बहुत चीज़ें हमको आगे ले जाके समझा के और हम लोग साथ में कर रहे हैं, हमको बहुत सी चीज़ें वो लोग शेयर भी करते हैं। अपूर्वा जी एंटरटेनमेंट के लिए पिक्चर बना रहे हैं हम लोग और बहुत अच्छा सलाह देते हैं, बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं कि ये ऐसा नहीं, जो हमसे गलतियां होती हैं इन्वॉल्वमेंट टोटल रहते हैं, एक एक बार नहीं पांच-पांच छह-छह बार हम लोग बैठते हैं और डिस्कशन करके, तो उनका भी बहुत बड़ा योगदान है जो हमको हम लोग ऐसी पिक्चर बनाने के लिए। एक्चुअली मैं ये चैनल को बहुत दाद देनी चाहूँगी इस बात की, आज के दौर को इस जो भोजपुरी बदलाव आया है सब चीज़ को, क्योंकि उनका बहुत बड़ा शेयर चैनल्स हो जाता है डेफिनेटली, उसमें से एंटरटेनमेंट है और भी ऐसे कई, तो ये बहुत अच्छा हुआ है कि हमारे इंडस्ट्री में चैनल्स आए हैं, उससे फिल्में अच्छी बन रही हैं, सब्जेक्ट अच्छी बन रही हैं, अभी एक्टर्स भी मतलब उस पर भी काम हो रहा है, अच्छे एक्टर्स को मौका मिल रहा है, इवन लोग किरदार के बारे में भी सोच विचार करके उस पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं, सो इट्स अ वेरी गुड टाइम एंड थैंक्स टू द चैनल्स दैट इतना अच्छे मौका दे रहे हैं इंडस्ट्री को। उनको आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू, जिनके साथ आप काम करती थी आपके हीरो, आई विल स्टार्ट फ्रॉम मनोज तिवारी, रवि किशन एंड नाउ निरुपमा, ये सब पार्लियामेंट का हिस्सा है, क्या रिंकू घोष के भी कुछ इस तरह के? एक्चुअली मैंने एक बात कही कि नेवर से नेवर, ओके, सो यस अगर मौका मिला तो व्हाई नॉट, और अगर कहते हैं कि इफ़ यू वांट द चेंज बी द चेंज, सो अगर चेंज चाहिए तो उस चेंज की शुरुआत कहीं ना कहीं से होनी चाहिए, अगर कर सको समथिंग गुड। बट अभी तक तो कोई भी एक्ट्रेस पॉलिटिक्स में हमारी इंडस्ट्री से पैर नहीं जमा पाई, इफ आई एम रॉन्ग प्लीज डू करेक्ट मी, शायद कोई ऐसा नहीं एस्टेब्लिश नाम हो पाया पॉलिटिक्स के अंदर जितना हीरोज ने हमारे अपना नाम बनाया है, क्या वजह हो सकती है? सी, मैं ये कहूँगी कि ये तो अभी जस्ट आए हैं हमारे जो हीरोज हैं और दे आर डूइंग वेरी गुड, आज रवि जी बहुत अच्छा कर रहे हैं, दिनेश जी बहुत अच्छा कर रहे हैं, मनोज जी भी अच्छा कर रहे हैं, सो दे आर डूइंग गुड, अगर हमें भी मौका मिलेगा तो वाई नॉट, अगर हीरोइंस को मौका मिलेगा, अगर हमें मौका मिलेगा तो वाई नॉट, डेफिनेटली यस। पॉलिटिक्स के अंदर कौन अच्छा कर सकता है प्रदीप भैया हीरोइनों में से? कहाँ फंसा रहे आप इनको अभी पॉलिटिक्स के उसमें बेचारे, ये सवाल ही गलत है, वेरी पॉलिटिकली रॉन्ग क्वेश्चन यू आर आस्किंग। कब से शूट शुरू हो रही प्रदीप भैया फिल्म की? 20 तारीख से। कहाँ शूट करेंगे फिल्म को? लखनऊ। लखनऊ में शूट शुरू होने वाला है। फिल्म से जुड़ा हुआ कोई भी हीरो नजर नहीं आया प्रदीप भैया यहाँ पे मुझे? नहीं, शूट कर रहे हैं, व्यस्त हैं। हाँ, व्यस्त। इस फिल्म के डायरेक्टर के साथ तो हाँ, डायरेक्टर है अनिल जी, आइए अनिल जी। चैनल जी कैसे हैं आप? बहुत अच्छा हूँ। मनोज जी नई फिल्म शुरू हो रही है प्रदीप भैया हमारे मित्र और भी कई कलाकार हैं, क्या कहते हैं आप इसके बारे में, शुभकामनाएं कैसे देते हैं? अच्छा, वही तो फिल्म अच्छी बन रही है, मैं भी इस फिल्म में हूँ जी, बहुत दिनों के बाद रिंकू जी के साथ काम कर रहा हूँ, तो और प्रदीप भैया हमारे मित्र हैं, इनके साथ पहली फिल्म की थी विधाता, तो ढेर शुभकामनाएँ हैं, खुश हूँ, मज़ा आएगा काम करके। अनिल डायरेक्टर है इसका, ये अनिल, अनिल के साथ बहुत सारी फिल्में एज असिस्टेंट शुरू किया हम लोगों के साथ, अब इसके डायरेक्शन में काम करूँगा तो ये अलग मज़ा आएगा मुझको, ये नई जनरेशन है और नई जनरेशन के लोग जो है ही नई फिल्म बना सकते हैं, अच्छी फिल्म बना सकते हैं, तो
इसलिए मैं थोड़ा एक्साइटेड हूँ। जी अनिल जी, आपके शब्दों में जानना चाहूँगा। मूर्त के लगे तो बहुत खुश हूँ, ये मेरी तीसरी फिल्म है। और मनोज भैया की जहाँ बात है, और रिंकू मैम तो मैं बहुत छोटा था तो फिल्म देखने जाता था। मतलब बहुत ज़्यादा उम्र है रिंकू जी की? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, यही कहना चाहता है। तो फिल्म देखने जाता था, भैया का भी जो बात है सत्य है, देख के बड़े हुए हैं। और बहुत मेरे लिए खुशी की बात और सौभाग्य की बात है कि मैं फिल्म डायरेक्ट करने वाला हूँ, उनके साथ काम करने वाला हूँ। बहुत बड़ी बात है, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ कि मेरे लिए सब नहीं निकल पा रहा कि क्या बोलूँ, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि आज काम करने का मौका मिल रहा है। असिस्ट भी किया, भागा दौड़ा, मनोज भैया की बातें सुनी है, मतलब काम करने के वक्त बहुत सारी चीज़ें, तो अच्छा लगा। और आज उनके साथ डायरेक्ट करने का मौका मिल रहा है तो मज़ा आ रहा है, और मज़ा भी आएगा और अच्छा भी लग रहा है। थैंक यू। मनोज जी, किरदार को लेकर कुछ बताना चाहते हैं? अभी कुछ बताया नहीं उन्होंने मुझे, बोले आपको फिल्म करना है। प्रदीप सिंह से कौन पूछेगा रोल क्या है, सीधे बोल देते हैं आइए पिक्चर करना है, ये बोल देते हैं आना है तो आना है, ख़त्म बात। अरे वाह, ये बस इसके आगे कोई सवाल जवाब नहीं। ये कहते हैं रोड पूछोगे हमसे, तुम हमके नहीं भाई, हम सीधे आ रहे हैं। जी नया सा कोई है, लेकिन बहुत अच्छा किया है।
छोटी छोटी बातें जो हम लोगों ने अपने कॉलेज में किए होंगे, स्कूल्स में किए होंगे, वो जब देखते हैं पर्दे पर, इन लोगों को जब देखते हैं पर्दे पर उसको करते हुए, तो हमें अपनी बातें याद आती हैं और दर्शक किसी तरह जुड़ते हैं सिनेमा के साथ, इसलिए हीरो होते हैं, क्योंकि हीरो उन पुरानी बातों पर उन लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं पर्दे पर, जो लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें मिस करते हैं या कभी किए होते हैं या करना चाहते हैं, तो बहुत अच्छा है। आपका ऋषभ के साथ कोई फिल्म करने वाले हैं? मैं जल्दी, मैं तो बीच में भी बोला था, तो ये बहुत ही नहीं, मैं जल्दी बताऊँगा, तो ये और शुरू से बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो मुझे अच्छा लगता है, ये तो बहुत छोटे से लोग एक्टिंग कर रहे हैं, मतलब छोटे हैं, गुल्लू हैं ये लोग, और बहुत अच्छा लगता है, तो कभी ऐसा नहीं लगा, मतलब वो तो अपने बच्चे ही अपना अपन हमेशा रहा है, तो ब्लेसिंग भी देता हूँ कि सब आगे बढ़े, अच्छा है। कोई ऐसा सब्जेक्ट होगा जो चिंटू जी और ऋषभ को लेकर कोई आप सोचा होगा, आपने आप करने वाले हो? है मेरे पास एक तो कॉन्सेप्ट है, और एक फिल्म बनी भी है दोनों के साथ, दिलवाले मूवी, और रिलीज़ नहीं पाई किसी वजह से, लेकिन मुझे लगता है कि जल्दी आएगी, लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, और इन फ्यूचर जब भी लगेगा तो मैं ज़रूर करूँगा, दोनों हो या अकेले भी कोई हो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, प्रोडक्शन में तो फिल्में बनी हैं, तो यदि चिंटू जी बहुत जगह बिजी हैं तो गोलू को पकड़ के फिल्म बनाएंगे, गोलू बिजी हैं तो चिंटू जी को पकड़ के बनाएंगे, तो दोनों हमारे जो लड़के हैं। ऋषभ आप कितने नर्वस हैं, क्योंकि आपकी फिल्म आज रिलीज हुई है, दर्शकों का और बहुत सारे भोजपुरी दिग्गज लोग आज आपकी फिल्म देखने आए हैं, कितना नर्वसनेस है आप? एक्चुअली सेकंड रिलीज हो गई, मतलब हो गया है, पिक्चर रिलीज हो गई काफ़ी, तो सेकंड रिलीज हुई जिसको राजेश जी ने बताया, कल ही बताया एक्चुअली यहाँ पे लगी है, तो आप आओ, यहाँ आने के बाद जितने सारे इंडस्ट्री के लोग हैं, मुस्लिम को जो अपने लोग हैं सारे देखने को मिले, सारे को बहुत पसंद आया, मुझे सबसे बड़ा बात यहाँ ऑडियंस ने मेरे को मैसेज करके बोला है, कई सारे ऑडियंस ने दिए अच्छा लग रहा है, काम अच्छा लग रहा है, ऑथेंटिसिटी दिखाई दे रही है, और जो भी है बहुत नेचुरल कहते हैं लोग, ये कि बहुत दिन से मैं भी काम कर रहा हूँ, बचपन से करा, मेरा ये हमेशा से मतलब इन्होंने इच्छा होती है कि मैं काम करने के लिए बहुत बनावटी ना करूँ, बहुत ज़्यादा एक दिल लगा रहता है मेरे को गंदी काम से, बहुत प्यार करता हूँ मेरे इस काम से, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। इसके डायरेक्टर भी बहुत अच्छे हैं, सतीश जी ने जिस तरह बनाई जी, बहुत सुदेव निर्देशक हैं, और निर्माता चूँकि राजेश जी हैं, डिस्ट्रीब्यूटर भी, तो फिल्म को बहुत बेहतर तरीके से प्रमोट भी कर रहे हैं, मुझे लगा दूसरी बात है जी, ये बहुत अच्छी बात है, और जिस तरह से अभी धीरे धीरे मल्टीप्लेक्स में सिनेमा को हम ले जाना चाह रहे हैं, अभी बीच ही मेरी बात हुई फिल्म बंधु ने, हमारा एक बहुत बड़ा पैनल मीटिंग था, उसमें मैंने बात को रखी है कि हमारी भोजपुरी फिल्मों को कम से कम एक स्क्रीन जो है मल्टीप्लेक्स का वो कंपल्सरी किया जाए, और ये जब देखते हैं जब ये फिल्में मल्टीप्लेक्स में आएंगी तब उनका रीच ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि सिंगल स्क्रीन कहीं ना कहीं ख़त्म होते जा रहा है, ऑल्स बन गए या लोग नहीं ज़्यादा अप्रूव कर पा रहे, तो ज़रूरत है हमारे लिए सिनेमा हॉल्स की, और जब सिनेमा हॉल होंगे तब ये अच्छी अच्छी बेहतरीन फिल्में जो हैं लोगों को अच्छा एंटरटेन करते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू, बहुत अच्छी फिल्म बनी है, एक पारिवारिक एंटरटेनमेंट पूरी फैमिली के साथ देख सकते हैं, और अभी जो भी फिल्में रिलीज हुई हैं उसका एक सबसे ज़्यादा यही फिल्म चली है लास्ट कोविड के बाद, ऐसे सब रिपोर्ट ऋषभ का अभिनय के बारे में जानना चाहूँ, कैसी लगी आपको उनके साथ काम करके? उनका काफ़ी प्रोफेशनल है, काफ़ी अच्छा काम किया है उन्होंने, और इसीलिए जो उन्होंने मेहनत की है इस पिक्चर में दिख रही है, और सतीश जी जैन जो हमारे अभी डायरेक्टर है भोजपुरी के, उन्होंने काफ़ी बड़ी बड़ी फिल्में देखी हुई है, उनका काम बनी हुआ है, इसलिए 50 दिनों में बनाई है, जो कि आखिर भोजपुरी में ट्रेंड नहीं है, 12-15 दिन में एक फिल्म बनने के बाद शूटिंग हो जाती है, तो उन्होंने 50 दिन लगे, तो ये मेहनत उनकी इस फिल्म में दिख रही है। फिल्म को मल्टीप्लेक्स में रिलीज़ किया जा रहा है, इसको लेकर भी बहुत खुशी की बात है, क्या आप कहेंगे? मल्टीप्लेक्स में रिलीज़ की जा रही है उसको लेकर कितनी खुशी है आपको? मल्टीप्लेक्स की ही फिल्म है ये, कि जैसे मैंने बताया एक पारिवारिक एंटरटेनमेंट फिल्म है, तो सब फैमिली वाले इसको एक साथ देखना चाहेंगे, तो आजकल जैसे बच्चे हैं या लेडीज हैं वो एक सिंगल स्क्रीन थिएटर मेंटेन नहीं है, तो एक मल्टीप्लेक्स में जाके देखना चाहेंगे। ऋषभ के साथ कोई और भी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स है क्या, और भी फिल्में कर रहे हैं? प्लानिंग चल रही है हमारी, 5-7 प्रोजेक्ट जाने वाले हैं दूसरे साथ अगले साल जनवरी फरवरी से स्टार्ट। बिल्कुल, बहुत अच्छी लगी, क्योंकि इंडिया ई कॉमर्स प्रेजेंट और प्रोड्यूसर दोनों हैं, और बहुत ही प्यारी फिल्म है, गोलू ने बहुत अच्छा काम किया, ऑल आर्टिस्ट भी बहुत अच्छे काम किए, अभी तक इंटरव्यू में हमने देखी, बहुत अच्छी लगी। कैसा लगा ऋषभ का अभिनय, कैसा लगा बाकी जो एक्टर्स हैं फिल्म में उनके, आप उनका अभिनय कैसा लगा? बहुत अच्छा, प्रकाश जी तो खैर बहुत
बहुत ही अच्छे मेरे फेवरेट एक्टर हैं और दिल्ली की मैं आज पहली बार फिल्म देख रहा हूँ। बहुत मज़ा आया उसकी एक्टिंग और उसका बहुत ही अच्छा लगता मुझे और फिल्म पैकेज भी बहुत बढ़िया है, सारे एक्टर भी बहुत अच्छे हैं और खैर देखिए मल्टीप्लेक्स में तो और खूबसूरत फिल्म लग रही है और मैं चाहूँगा कि ऐसे ही मल्टीप्लेक्स में हमारी भोजपुरी लगती है, हम सारे लोग आते हैं और हमारे ऑडियंस भी आते हैं देखते हैं। फिल्म क्या कहना चाहेंगे? जी बहुत ही टीनेजर लव स्टोरी है और सतीश जी ने बहुत अच्छी एक्टिंग की, फिल्म कहानी बहुत अच्छी है, इस फिल्म के जो गुरु जी हीरो हैं बहुत अच्छा काम किया, जो नवीन है प्रकाश है सभी ने बहुत अच्छा, अभी तक इंटरफिल्मिक फिल्म मुझे बहुत अच्छी लगी और लोग उभरते कलाकार हैं इंडस्ट्री के, हमारे भोजपुर इंडस्ट्री के मेरी साधुवाद है इस तरह की फिल्में जो बन रही है जो सतीश जी ने बनाया है, साधुवाद देता हूँ प्रोड्यूसर को देखो डायरेक्टर को सबको, मुझे अभी तक तो अच्छी लगी, अभी इसके इंटरवल के बाद देखते हैं। मैडम जी बहुत अच्छी लगी फिल्म, जी एक अच्छे डायरेक्टर हैं, अच्छी स्टोरी लिखी है उन्होंने और अच्छी फिल्म बनाई है, इंटरवल तक मैंने फिल्म देखी है तो बहुत अच्छा लगा मुझे और लग रहा है कि फिल्म अच्छी जाएगी। जी कल्लू जी का अभिनय कैसा रहा है फिल्म में, कैसी लगी? गोलू जी का, सॉरी माफ़ कीजिएगा, गोलू जी एक अच्छे एक्टर है, उनको वो तो इंडस्ट्री में बचपन से काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा एक्टिंग किया है उन्होंने, लग रहा करेक्टर में पूरी तरह से ढल गए, तो बहुत अच्छा लगा, हीरोइन जो है हमारी उनका भी काम उन्हें बहुत अच्छा लगा। जी गाने म्यूज़िक कैसा है फिल्म? म्यूज़िक बहुत ही अच्छा, साफ सुथरा म्यूज़िक है, लोगों को पसंद आएगी क्योंकि आज का समय है ऐसे ही म्यूज़िक चाहिए लोगों को, कुछ भी बलगर नहीं है, हम परिवार के साथ सुन सकते हैं ऐसा है, तो फिल्म भी वैसी ही है और अच्छा लगा, फिल्म बना के फिल्म बहुत अच्छी है।